सो हेलो एवरीवन फ्रेंड्स, हाउ आर यू? सो होपफुली ऑल डूइंग फाइन। और आपकी सीसेट की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी, बिकॉज आप पढ़ रहे हैं अभी पीडिया पे और माइक्रो कोर्सेज के थ्रू। तो जिन बच्चों ने माइक्रो कोर्सेज लिए हुए हैं, डेफिनेटली उनसे हमारी बात भी होती है, कॉल बैक भी अरेंज होती है कि भैया आप कर रहे हैं तो कैसा रिस्पॉन्स मिलता है। तो रिस्पॉन्स तो आउटस्टैंडिंग है, मुझे ऑलरेडी पता है। और मुझे ये भी पता है कि जो बच्चा माइक्रो कोर्स के थ्रू पढ़ रहा है, अभी पीडिया के माइक्रो कोर्स के थ्रू पढ़ रहा है, सी सेट में उनका परफॉर्मेंस बहुत ही ज़बरदस्त रहने वाला है। बिकॉज पता चल जाता है, जैसे आज आपने माइक्रो कोर्स लिया तो एक दो दिन के बाद आपको कॉल बैक जाएगी कि आपको क्या कुछ नया सीखने को मिला, क्योंकि फीडबैक बहुत ज़रूरी है। तभी इनमें अगर कुछ चेंजेस की जरूरत पड़ते तो करते हैं, बट आज तक ऐसा हुआ नहीं किसी किसी स्टूडेंट ने कहा हो कि सर चेंजेस की जरूरत है, बिकॉज कंटेंट ही इतना अच्छा प्रोवाइडेड है, हर साल अपडेट होता रहता है। ठीक है, तो प्लीज़ प्लीज़ आप भी ऐसा कर सकते हैं, आप भी सी सेट की परफॉर्मेंस को और इम्प्रूव कर सकते हैं अभी पीडिया माइक्रो कोर्स के थ्रू। तो चलिए, आज का हमारा टॉपिक है बच्चों एलसीएम एंड एचसीएफ। ठीक है, तो बहुत शानदार टॉपिक है और इसके रिसेंटली कुछ अच्छे क्वेश्चंस आए हैं, मैं वन बाय वन डिस्कशन करूंगा। चलिए, अब बेल रिंग्स एवरी 18 मिनट्स। ओके, मतलब अच्छा, अब बेल फर्स्ट बेल, इसको ऐसे लिखो फर्स्ट बेल। अ सेकेंड बेल रिंग्स एवरी 24 मिनट्स। अ थर्ड बेल रिंग्स एवरी 32 मिनट्स। इफ ऑल द बेल्स रिंग एट द सेम टाइम एट 8 o'clock, इसका मतलब सुबह 8 बजे वो तीनों की तीनों बेल एक साथ बजी होंगी। सो आपको क्या करना है, इफ ऑल द थ्री बेल्स रिंग एट द सेम टाइम एट 8 o'clock इन द मॉर्निंग, एट वट अदर टाइम विल दे ऑल रिंग टूगेदर। अच्छा क्वेश्चन है, देखो कैसे करेंगे इसको। सबसे पहली बात, अगर मैं फर्स्ट बेल की बात करूँ, कितने 18 मिनट में, सेकंड बेल 24 मिनट्स, थर्ड बेल 32 मिनट्स। डन। देखो ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छे अच्छे तरीके से पूछा जा सकते हैं। जो ट्रैफिक लाइट्स वाला क्वेश्चन है, कल को वो इसको चेंज कर सकते हैं कि यार ट्रैफिक लाइट में ऐसे ऐसे होता है तो पहली लाइट इतने में, सेकंड इतने में, तो सेम क्वेश्चन है, सिर्फ बेल की जगह वहाँ पे लाइट्स हैं। डन। अब वो ये कह रहे हैं सुबह 8 बजे, पहले तो ये निकालो ये कितने टाइम के बाद एक साथ बचेंगे। ठीक है, सो 18 को मैं कैसे लिखूंगा बेटा, एलसीएम निकालिए इसका, 3 का स्क्वायर इंटू 2। 24 को कैसे लिखेंगे, 2 का क्यूब इंटू ऑफ 3। और 32 को मैं कैसे लिखूंगा, 2 रेस्ट पावर 5 इंटू ऑफ 2 लिखूंगा। डन, या 2 रेस्ट पावर 5 ही हो गए, खाली 2 रेस्ट पावर ऑफ 5। डन। अब देखिए जरा ध्यान से, सो 32 क्या होगा मेरा, 32 की बात करूं, 32 को कैसे लिखूंगा मैं, 2 रेस्ट पावर ऑफ मेरा 5। डन। अब ध्यान से देखो, एलसीएम लेना तो एलसीएम क्या आएगा भाई, 2 रेस्ट पावर 5 इंटू 3 रेस्ट पावर ऑफ 5 इज 2। तो ये कितना होगा, 32 गुना 9, तो ये कितना हो गया, 9 27 9 2 18, कितना आ गया, 288 मिनट। डन। यानी ये कितना हो गया, 4 आवर, और कितना हो मेरा, 240 48 मिनट्स। डन। इसका मतलब वो क्या कह रहा है कि अगली बार कब बजेंगी, 4 घंटे 48 मिनट के बाद। यानी कितना, अगर मैं बात करूं कितना है मेरे पास, 8 o'clock था ना, 8 o'clock प्लस 4 आवर्स 48 मिनट्स, तो ये कितना हो गया, 12 बज के बेटा 48 मिनट। ऑप्शन नंबर क्या है मेरा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर। सो सिंपल सिंपल आपको एलसीएम में कई बार क्या होता है, क्वेश्चन एक्सटेंड भी किया होता है, वो मैं आपको बताता हूँ किस वे में। नेक्स्ट क्वेश्चन इधर बढ़ रहे हैं। चलो भाई ये भी एक मिनट में बता दूँ आपके, कब का क्वेश्चन है, शायद ये आपका है अभी रिसेंट का 2015 के राउंड का क्वेश्चन है, शायद थोड़ा सा हो सकता है पुराना। देर आर 5 हॉबी क्लब्स इन अ कॉलेज, फोटोग्राफी, एचिंग, चेस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड गार्डनिंग। द गार्डनिंग ग्रुप मीट एवरी सेकेंड डे, तो जो हमारा गार्डनिंग वाला ग्रुप है वो हर दूसरे दिन मिलता है। इलेक्ट्रॉनिक्स ग्रुप मीट एट एवरी थर्ड डे। द चेस ग्रुप मीट एवरी फोर्थ डे। द एचिंग ग्रुप मीट एवरी फिफ्थ डे। एंड द फोटोग्राफी मीट्स
एट 6 डे. हाउ मेनी टाइम्स डू ऑल द फाइव ग्रुप्स मीट ऑन द सेम डे विद इन 180 डेज. तो आपने कुछ नहीं करना, जस्ट टेक देयर एलसीएम. तो अगर मैं बात करूँ गार्डनिंग ग्रुप की, वो मिलता है बेटा दूसरे दिन में एवरी सेकेंड डे. ओके, अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक्स ग्रुप की बात करूँ, दे आर मीटिंग ऑन 3rd डे. ओके, अगर मैं चेस की बात करूँ, वो मीट कर रहे हैं 4th डे. यचिंग ग्रुप की बात करें, वो कर रहे हैं 5th डे. ठीक है, और अगर मैं बात करूँ फोटोग्राफी, वो क्या कर रहे हैं? अच्छा, पहले तो मैंने नंबर्स में लिख दिए. सेकेंड डे, 3rd डे, डन. अब मेरी यहां से बात सुनो, कुछ मत करो, इनका ले लो एलसीएम. यानी किसका? 2, 3, 4, 5 और 6. 2 को लिखूंगा, 2 की पावर 1, 3 की पावर 1, 2 की पावर 2, 5, 2 × 3. तो बेटा 2 की हाईएस्ट पावर क्या है? 2. 3 की क्या है? 8 रेज़ पावर 1, और ये आ गया 5. तो कितना हो गया? 5 × 20 = 60. तो 180 दिन में कितनी बार मिलेंगे भाई? 3 टाइम्स. जस्ट मुझे इसका एलसीएम लेना था और मुझे कुछ भी नहीं करना था इस क्वेश्चन में. क्लियर? सो होपफुली ये दोनों क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर होंगे. लेट मी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. और ऐसे ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट है ना, माइक्रो कोर्सेज के अंदर है, लीजिए और उसका फायदा उठाइए. बिकॉज मेरे कहने से कुछ नहीं होगा जब तक आप लोग खुद इसको यूज करके नहीं देखेंगे, इसको करके नहीं देखेंगे, देखेंगे नहीं लेक्चर्स. सो बेटा कोई फायदा नहीं. 6 मिनट का ट्रायल है, ट्रायल को एटलीस्ट लीजिए, 6 मिनट तक फ्री है. मन करे तो आगे खरीदो, अदरवाइज कोई बात नहीं. ठीक है, 6 मिनट तो फ्री है. इन अ स्कूल एवरी स्टूडेंट इज असाइंड अ यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर. अ नंबर, अ स्टूडेंट इज अ फुटबॉल प्लेयर इफ ऑल इफ एंड ओनली इफ द आइडेंटिफिकेशन नंबर इज डिविजिबल बाय 4. वेयर एज अ स्टूडेंट इज अ क्रिकेटर इफ द आइडेंटिफिकेशन नंबर इज डिविजिबल बाय 6. ओके, सो अगर मैं बात करूँ वो फुटबॉल प्लेयर है, सो डिविजिबल बाय 4, डन. अगर वो एक क्रिकेटर है यानी क्रिकेट प्लेयर है, सो डिविजिबल बाय 6. इफ एवरी नंबर इज फ्रॉम 1 to 100 इज साइंड टू अ स्टूडेंट, देन द हाउ मेनी ऑफ देम क्रिकेट प्लेयर एज वेल एज फुटबॉल. देखो ये थोड़ा वेन डायग्राम का क्वेश्चन, इसका मतलब मैं बात करूं, ये मेरे पास हो गया बेटा क्रिकेट फुटबॉल, ये मैं कहता हूं क्रिकेट. कुछ ऐसे बच्चे हैं कि कुछ को फुटबॉल का असाइन है और कुछ को क्रिकेट का है, बट कुछ बच्चे आप जैसे ऑलराउंडर भी हो सकते हैं, वो क्या कहेंगे, भैया हम तो दोनों गेम खेलेंगे. वो क्या होगा? कॉमन नंबर्स किसके? 4 और 6 के. तो 4 और 6 का एलसीएम कितना आ गया? 4 को लिखूंगा मैं बेटा 2 की पावर 2, 6 × 2 × 3, तो कितना होगा? 4 × 3 = 12. सो 100/12 कितनी बार गया? 12×96. सो कितना आंसर आ गया मेरे पास? ऑप्शन नंबर बी 8. सो ऐसे ही क्वेश्चन ना दबा के बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट के साथ स्टूडेंट्स एस्पिरेंट्स दिए हुए माइक्रो कोर्स के अंदर. सो प्लीज अवेल माइक्रो कोर्स फॉर फर्दर आपकी, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं है, ऑलमोस्ट 1.5 हफ्ते, 2 हफ्ते ही बचे हैं. लास्ट के 2-3 दिन में तो वैसे ही पैन चलना बंद हो जाता है, क्योंकि उस टाइम बस एक बात ध्यान रखना, कंडीशन पैनिक नहीं बनानी, मतलब डरना नहीं है, जितना हद तक कॉन्फिडेंटली उस पार्ट को हमने अच्छे से कवर करना है, डन. चलिए बस उसी की तैयारी चल रही है अभी. चलो भाई क्या दिया है? द ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ विच कैन बी यूज टू मेजर एग्जैक्टली द लेंथ 7 मीटर, 3 मीटर, 85 सेंटीमीटर, 12 मीटर, 95 सेंटीमीटर, बताइए. हाउ विल यू डू दिस क्वेश्चन? देखो मैं अगर बात करूँ, देखो सारा का सारा किसमें दे बेटा? हाँ जी स्टूडेंट, सारा का सारा मुझे दे सेंटीमीटर में. सो अगर मैं बात करूँ 7 मीटर की, क्या 700 सेंटीमीटर आ गया? अच्छा 3 मीटर, 85 सेंटीमीटर, ये कितना आ गया मेरे पास? 385 सेंटीमीटर.
12 मीटर 95 सेंटीमीटर, ये कितना गया 1295 सेंटीमीटर। डन, फटाफट इसे फैक्टर बनाओ। देखो अगर मैं ध्यान से बात करूं, बनाओ ना पहले, आप ही बनाओ, मैं तो बाद में बात करूंगा। बनाइए और बताओ जरा, फैक्टर बनाओ, एचसीएफ निकालना है इसका। इस तरह के क्वेश्चन में आपने एचसीएफ ही निकालना है, बात खत्म। निकालो एचसीएफ कितना आएगा। देखो इसको अगर लिखोगे आप, ये कितना आएगा 35 गुना 20, ये कितना होगा 350 प्लस 35 यानी 35 गुना 11, और ये कितना बचा। देखो 35 का स्केयर कितना होता है, अगर मैं आपको बताऊं 35 का स्केयर होगा बेटा 25, यानी 12 25 होगा, यानी 12 25 में 70 और जोड़ देंगे, 35 गुना कितना हो गया मेरे पास 37। तो ये एक ज़बरदस्त कैलकुलेशन की ट्रिक थी बिना पेन चलाए, तो ऐसे ही माइक्रो कोर्सेज में बताया गया। अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़ 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 मत भूलिए, और प्लीज़ ट्रिक्स को करिए माइक्रो कोर्सेज के थ्रू। डन, अब देखो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे बेटा कितना आ गया मेरे पास एचसीएफ 35, और यही मेरा आंसर है। कुछ भी नहीं करना इस क्वेश्चन में, समझ आ गई बात, यही मेरा आंसर है, क्योंकि एलसीएम तो निकालना है, भूल ही जाओ उस क्वेश्चन में, लंबा चौड़ा हो जाएगा। डन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इधर पढ़ रहा हूँ मैं। चलो, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर ग्रेटर देन 1000 दैट आर डिवाइडेड बाय एनी ऑफ द नंबर 6, 9, 12, 15, 18 लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 3। बताइए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, प्लीज बताइए। देखो सबसे पहली बात भाई, 6 है, 9 है, 12 है, 15 और 18 है। भाई 6 को लिखेगा 2 गुना 3, 3 का स्केयर, 2 का स्केयर गुना 3 रेस पावर 1, 3 गुना 5, 3 की पावर 2 गुना 2। तो सबसे पहले यू मस्ट नो हाउ टू फाइंड आउट द एलसीएम बाय फैक्टराइजेशन मेथड, बिकॉज सबसे अच्छा मेथड आपका यही है, वरना दूसरे मेथड में तो दिक्कत हो जाएगी। अब देखो मेरी बात सुनो भाई, ये इसका एलसीएम कितना आएगा, अगर मैं इसके एलसीएम की बात करूं, देखो यहाँ पे कितना है, 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है भाई 2, गुना 3 की कितनी है 2 गुना 5, ऐसा कुछ है, हाँ जी क्या ऐसा ही कुछ है, 2 की हाईएस्ट पावर 2 है, 2 दूनी 4 थी 12, तो ये कितना आ गया मेरे पास। सो अगर मैं इसकी बात करूँ, ये कितना आ गया मेरे पास 4, या 9 5 45 45 गुना 4 180 आ गया। डन, 180 आ गया। अब अगर 180 आ गया तो मुझे क्या करना है, देखो वो कह रहा है 1000, वो कितना कह रहा है 1000, तो अगर मैं 1000 को 180 पे डिवाइड करूँ तो ये कितना आ गया 900 टाइम्स जाएगा ना, मतलब 900 पे पूरे तरीके से कट जाएगा ये, है ना, 900 पे कट जाएगा, तो 900 में 180 और ऐड कर दो 1080, यानी ये वो स्मॉलेस्ट नंबर है जो इनसे डिवाइड होगा प्रॉपरली, बट रिमाइंडर 3 है तो इसमें 3 और ऐड कर दो कितना आ गया 1083। बिल्कुल और बिल्कुल सही उत्तर है इस क्वेश्चन का, क्लियर है, प्लीज जल्दी से नोट करेंगे इसको। सो होपफुली ये तरीके आपको पसंद आएंगे, और प्लीज़ आप वीडियोस को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और मैं शॉर्ट ट्रिक्स भी डाल रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि पेपर तक एटलीस्ट इतनी शॉर्ट ट्रिक्स डल जाएं कि आपको एटलीस्ट वो काम आए। सो प्लीज़ उनको भी देखिए, नहीं देखिए तो प्लीज़ आप जाके देखिए, आपको रील्स के सेक्शन में मिल जाएंगे, हार्डली 40 से 45 सेकंड की एक है, बट डेफिनेटली पेपर में वो काम आने वाली है, अननेसेसरी की एक भी नहीं मिलेगी। डन, चलिए नेक्स्ट इज अभिपीडिया माइक्रो कोर्स, जिसके बारे में मैं बता रहा था। देखो करने को सिलेबस कर सकते हो, बट अभी इतना टाइम नहीं, आप उन चीज़ पे फोकस कीजिए जिनमें आपको ज़्यादा वेटेज है या ज़्यादा मार्क्स आने वाले, जैसे और मैं अभिपीडिया माइक्रो कोर्सेज के आपको एक और स्पेशल बात बताऊंगा बेटा, लिंक आपको मिल जाएगा आपका डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। चलो मैं एक और आपको स्पेशल बात बता देता हूँ इसकी। देखो जैसे मैंने किया चूज एग्ज़ाम, मेरा है सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम, है ना, चलिए नेक्स्ट इज देखिए, ये और पूरा सब्सक्रिप्शन है, वीडियो कोर्सेज हैं, टेस्ट कोर्सेज हैं,
दैट इज़ माई माइक्रो कोर्सेज। देखिए यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप अपना 10 डिजिट का मोबाइल नंबर डालिए सो दैट हमारी टीम आपसे जुड़ सकें। वी डोंट हैव एन इंक्वायरी नंबर, सीधी सी बात में बताऊँ आपको। आफ्टर इनरोलमेंट आपको सब चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी, बट उसके लिए इनरोल होना पड़ेगा पहले आपको। नेक्स्ट देखो, जैसे मैथ एंड मेंटल एबिलिटी की मैं बात करूँगा, 32 माइक्रो कोर्सेज है, पूरा जो बंडल है वो 3657 का है। प्लीज़ डोंट बाय। देखो जैसे नंबर सिस्टम है, अब क्यों स्पेशल है, क्यों ये बाकियों से अलग है, क्या है, 21.88% क्वेश्चन इन मैथ एंड एबिलिटी वर्क फ्रॉम दिस टॉपिक ने प्रीलिम्स, मतलब 375 क्वेश्चंस के अंदर ऑलमोस्ट आपका 22% डेटा कवर, और वो भी सिर्फ कितने में, 311 रुपये में। नेक्स्ट देखो, जैसे सिंप्लीफिकेशन की बात करूँ, 15.23, यानी इन दोनों की अगर बात करूँ ना, 22 और 15 कितना हो गया, तकरीबन 37-40% मेरा इन दो टॉपिक से क्लियर हो रहा, यानी कितना, 311 और 114 कितना हो गया, ऑलमोस्ट आपका 400 के करीब। डन। जैसे नेक्स्ट में बात करूँ परसेंटेज की, ऑलमोस्ट 9%। तो अगर मैं बात करूँ, ऑलमोस्ट मेरे 50% हैं, तीन में से ही आ रहे हैं, उसके 9% कहाँ से आ रहा है, परमोटेशन एंड कॉम्बिनेशन से। सो दीज आर सम स्पेशल टॉपिक यू हैव टू फोकस। और सिर्फ देखो क्या क्या मिल रहा है आपको, जैसे अगर परसेंटेज की बात करूँ, फोर क्वालिटी लेक्चर्स वी आर प्रोवाइडिंग यू विद इन 150 रुपीज़, सो 158 का है सिर्फ। सो चार वेब नोट्स मिले स्टूडेंट्स, वेब नोट्स मीन्स आपको एक रिटर्न फॉर्मेट में, आपको टाइप्ड फॉर्मेट में सारा का सारा उसका बैकग्राउंड बताया गया, भाई क्या है, कौन से फॉर्मूले यूज होना, क्या फॉर्मेट यूज होता है इसमें, एंड 243 आउटस्टैंडिंग क्वेश्चंस इन विच ऑल द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आर ऑलरेडी डिस्कस्ड। ओके, सो जो मैंने आज 5 से 6 क्वेश्चन किए, जब मेजिकली 5 ही थे, ये क्वेश्चन भी आपके पीवा के सीरीज थे, 2020 का, 21 का या 15-16 से रिलेटेड, ठीक है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और जुड़े रहिए अभी मीडिया के साथ, माइक्रो कोर्सेज के साथ, लिंक डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू।